सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। माइक्रोफोन वो भी यूट्यूब वीडियो के लिए क्या जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। और वो मैं बात कर रहा हूं कि आपका अगर वीडियो की बात करते हैं तो अगर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो वीडियो में क्या ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लिए सही साबित हो। और वो ये है कि आपके वीडियो का साउंड, अगर वीडियो का रिजोल्यूशन अगर छोटा कम हो, उतना हाई क्वालिटी का नहीं भी हो, HD फुल HD ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन अगर साउंड का क्वालिटी नहीं है तो दोस्तों बेकार हो जाएगा। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर स्टार्टिंग का मेरा वीडियो है तो वो बहुत ही घटिया है, क्योंकि मैं स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहा था। उस समय उतना अच्छा स्मार्टफोन भी नहीं था। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एक ऐसे माइक के लिए जो कि एक यूट्यूबर के लिए अगर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद साउंड क्वालिटी बढ़ जाएगा। अब बहुत लोग कह रहे होंगे स्नोबॉल का भी, मैं उसके बारे में भी देखा जाना सुना, मैं यूज़ भले ही ना किया हूँ लेकिन बड़े बड़े टेक यूट्यूबर हैं उनका रिव्यू मैं देखा, और फिर समझ में आया कि नहीं, ये जो है स्नोबॉल ना लेकर के मुझे ऐसा लेना चाहिए जो हमारे लिए मल्टीपर्पज़ हो। ये जो माइक्रोफोन की मैं बात करने वाला हूँ वह है दोस्तों USB, मतलब इसमें जो आप इनपुट ले सकते हैं या आप रिकॉर्ड करने से पहले आपका जो कंप्यूटर से लगा करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, PC से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहाँ पे भी USB अगर है, USB सपोर्ट है, तो वहाँ पे USB का यूज़ करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात कर रहा हूँ दोस्तों सैमसंग गो माइक के बारे में। एक्चुअली क्या है कि दोस्तों ये माइक मैं फाइनली अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 5 मंथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस माइक को, और मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी से मैं रिकॉर्ड भी इस वीडियो कर रहा हूँ, तो देख लीजिए। ये है दोस्तों माइक, और ये माइक का अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बहुत पहले कर चुका हूँ, तो उसका अनबॉक्सिंग करने के बारे में नहीं है, मैं सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ कि इतना दिन मैं यूज़ किया और यूज़ करते हुए मैं क्या फील किया, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है दोस्तों, इस माइक का सबसे बड़ा खासियत यह है कि आप सबसे पहली बात तो यह है कि USB पोर्ट है। USB पोर्ट का मतलब है कि USB के थ्रू यहाँ से लेकर के आप अपने PC में लगा करके इसके बाद रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे क्लिप का ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ पे जो है इसको देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा साउंड यहाँ पे बदल रहा है, यहाँ पे जो साइड कर रहे थे इस कारण से हो सकता है साउंड का इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे समझिए इधर से ये फ्रंट पड़ता है, ये बैक पड़ता है, इधर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगा कि ओमनी डायरेक्शन करना है या क्या करना है, 3 सेटिंग आपको मिलेगा -10 dB तक। अभी फिलहाल मैं सेटिंग किया हूँ -10 dB, और ये शायद आपके लिए आपके जो आप टेस्ट कर मैं करके बता रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि आपको अच्छा फील हो रहा होगा, अच्छे से सुन पा रहे होंगे, तो आपको एक तरह से यहाँ पे रिव्यू भी मिल गया कि मैं प्रैक्टिकली इसी माइक का यूज करके मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कैसा है इसका साउंड ये तो आपको टेस्टिंग करके मिल गया। अब क्या फ़ायदा है इस माइक से आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप फेस कैम वाला बना रहे हैं, कैमरा के साथ कर रहे हैं, तो आप वेब कैम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे 3.5 mm जैक से बेहतर है कि आप जो है USB वाला आप माइक रखिए, क्योंकि यहाँ पे ये होगा कि दोस्तों आपका ये थोड़ा सा नॉइज कैंसिलेशन भी इसमें है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये USB से मैं बेटर फील कर रहा हूँ अभी USB का यूज करके, क्योंकि इससे पहले मैं 3.5 mm जैक वाला माइक भी यूज किया था तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा उसका एक्सपीरियंस, और जब से मैं ये माइक यूज किया हूँ ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। कभी मैं इस मतलब साउंड के क्वालिटी पर मैं ध्यान देने की अब टेंशन नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो है माइक्रोफोन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी इसको यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसको तो टेबल पर रख के मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते यहाँ पे क्लिपिंग ऑप्शन है, क्लिप लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो कि आपको कौन सा माइक, मेरी समझ से अगर यूट्यूबर के लिए जो है बेस्ट माइक ये है अगर आप USB वाला लेना चाहते हैं। नहीं, अगर आपके पास DSLR है तो उसके लिए अलग माइक है, फ्यूचर में आने वाले समय में उसको मैं टेस्ट करूंगा और इसके बाद ही बताऊंगा, क्योंकि विदाउट टेस्ट किए हुए मैं अब सोच रहा हूं कुछ बताऊंगा नहीं। और मेरे पास कौन कौन सा गैजेट्स है, मैं क्या यूज कर रहा हूं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, और इसके साथ साथ जो है मेरे पास कौन कौन सा डिवाइस है, हार्डवेयर है, कौन सा कैमरा है, तो सबका जवाब मैं धीरे धीरे सेपरेट वीडियो में देते चलूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कुछ सवाल तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।